अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में आईन मुअत्तल करने और एमरजेंसी का निफाज करने के फैसले के खिलाफ गद्दारी के मुर्तकब होने पर सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। और फॉर्मर वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का ये मुकदमा 2013 में कायम किया था। 31 मार्च 2014 में परवेज मुशर्रफ पर फर्दे जुर्म आयद की गई और फिर 19 जून 2013 को परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दे दिया गया। 6 साल यह मुकदमा खुसूसी अदालत में चलाया गया और 125 हेयरिंग हुई। 6 बार इस मुकदमे पर अदालतों की तश्कीलें नौ की गई और फिर फैसला सुनाने से कब्ल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा के लिए अदालत में आकर बयान रिकॉर्ड कराने का भी कहा गया, लेकिन परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश ना हो सके। अक्टूबर 2019 में खुसूसी अदालत ने इस केस की रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग करने का फैसला किया और फिर 19 नवंबर को इस केस की हेयरिंग मुकम्मल कर ली गई और 28 नवंबर को फैसला सुनाने का कहा। ताहम वजारत दाखिला की जानिब से इस फैसले को रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया, जिसके बाद खुसूसी अदालत ने 5 दिसंबर तक परवेज मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया। परवेज मुशर्रफ के पेश ना होने पर आज इस केस का फैसला सुना दिया गया है। परवेज मुशर्रफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अब 30 दिन तक रुजू कर सकते हैं और अदालती फैसला आने के बाद हमने देखा कि GHQ में एक अहम कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके बाद DGISPR ने अपनी ट्वीट में कहा है कि फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और अस्तराब पाया जाता है। परवेज मुशर्रफ ने 40 साल से जायद पाकिस्तान की खिदमत की है। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ रह चुके हैं। केस में आईनी और कानूनी तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं और अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई है। हुकूमत की जानिब से मुआमने खसूसी फिरदौस आशिक आवान ने फैसले पर अपना रिस्पॉन्स दिया और कहा कि फैसले का तफसीली जायजा लेने के बाद हुकूमती बयानिया जो है वो सामने लाया जाएगा। अब हम इस तमाम सिचुएशन का आज अपने शो में जायजा लेंगे कि क्या हालात किसी गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या इदारे आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं और इस ऐसी सूरत हाल में जो अहम किरदार हुकूमत का होना चाहिए और जो सियासतदानों का किरदार होना चाहिए, क्या वो हुकूमत और सियासतदान अदा कर पाएंगे। और फिर हुकूमत के लिए यह भी जरूरी है कि वो इन तमाम मामलों पर इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करे। हम इसके साथ साथ देखते हैं कि इस बड़ी और अहम डेवलपमेंट के बाद सूरत हाल जो है वो मजीद हमें कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नजर आती है, जब पाक अफवाज की जानिब से रद्द अमल आता है इस फैसले के हवाले से। उसके बाद हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के जो लॉयर्स हैं वो भी प्रेशर करते हैं और वो भी बड़ा दो टोक अंदाज में कहते हैं कि इसमें जो फंडामेंटल राइट है डिफेंस का वो नहीं दिया गया और ये जो फैसला है इसमें फेयर ट्रायल होने का जो है सबूत नजर नहीं आता। इसमें जो है फेयर ट्रायल करने की जो का मौका था वो परवेज मुशर्रफ साहब को नहीं दिया गया। हम इन तमाम हालात पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरफ हालात जा रहे हैं और फिर साथ साथ आज वजीर आजम इमरान खान जो है वो जिनेवा में आलमी जो रेफ्यूजी फोरम है उनसे खिताब करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान लाखों मुहाजरीन की मेजबानी कर रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया जान ले कि भारत में पनाह गुजीनों का एक बड़ा बहरान जो है वो जन्म ले रहा है और 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के हकूक छीने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ भारत में इस वक्त फसादात भी होते हुए नजर आ रहे हैं। हम इन्हीं तमाम मामलों पर आज अपनी डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हियर हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर जरका साहिबा, स्पोक पर्सन पंजाब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आप सबने आज देखा कि हमारे सामने जो खसूसी अदालत का फैसला है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के संगीन गद्दारी केस के हवाले से, हम पहले आपको सुनवा दें कि एग्जैक्टली क्या अल्फाज थे परवेज मुशर्रफ साहब के जब 2007 में उन्होंने आके खिताब किया और इस एमरजेंसी के नफाज का ऐलान किया। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट, थोड़ा सा हम माजी में झांकेंगे और फिर हम अपनी डिस्कशन को टेबल करेंगे। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट। मैंने
एमरजेंसी डिक्लेयर की है। मैंने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया, जो टेलीविजन पे आ रहा था, आपने देखा होगा। मैं ये बताता चलूं, इसमें गवर्नमेंट में कोई तब्दीली नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स तमाम अपने अपने ओहदों पे रहेंगे, तमाम असेंबलीज कंटिन्यू करेंगी, यानी सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, ये तमाम अपनी जगह पे वैसे ही चलती रहेंगी जैसे जैसे कि आपने अभी सुना। यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो 3 नवंबर 2007 को कह रहे हैं कि पीसीओ उन्होंने इशू किया है। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब से। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, क्या फरमाइएगा, आज खसूसी अदालत की जानिब से पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम फैसला जो है वो सुनाया गया है, उसमें परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो नवंबर 3, 2007 को आईन मुअत्तल करने और फिर जजेस को नजरबंद करने और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक गैर आईनी तरीके से तरमीम करने समेत जो ये चार्जेस लगाए गए हैं, वो नवंबर 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत ने खसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर करके जो है इस केस को परसू किया था। अब 6 साल ये मुकदमा चलता रहा है, इस दौरान हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ साहब लोग से बाहर भी चले गए। आज खसूसी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया, तो अब ये जो डेथ सेंटेंस दी गई है इसको किस तरह से देख रहे हैं, नून लीग किस तरह से देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलम, किसी शख्स को भी वैसे डेथ सेंटेंस का लफ्ज़ बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है और यकीनन इससे कोई इतनी खुशी वाली बात किसी को करनी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा ख्याल है शायद वक्त आ गया है कि हमें ये डिसीजन ले लेना है मिनहसुल कौम, तमाम अदारों को मद्देनजर रखते हुए, कि हमने अब इससे आगे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को और पूरे निज़ाम को किस तरीके से चलाना है। मैं समझता हूँ कि ये कानूनी बैटल थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली जनरल साहब ही इज़ लॉस्ट। अब ये है कि ज़ाहिर है कई लोग जो हैं उनकी फेवर में हैं और कई लोग उनसे उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बैटल में जो बयानिया कामयाब हुआ वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है कि कौम के वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए, और अगर ये बात इसी स्पिरिट में हमारी जुडिशरी ने इसके ऊपर फैसला कर लिया है तो शायद ये एक अच्छी शुरुआत है और इसको इसी स्पिरिट में लेना चाहिए, क्योंकि कोई फ़र्द जो है, कोई एक फ़र्द जो है वो कौम के मुकद्दर से आगे नहीं है, कौम के फ्यूचर से आगे नहीं है। हमें सोचना है इस मुल्क के बारे में कि इस मुल्क की जो बुनियाद है जो कि फॉल्टी रही पिछले इतने सालों में और उस पर तरह तरह के जो एडवेंचर्स होती रहीं पहले, हो सकता है बल्कि हो नहीं सकता, मेरा मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इसके बाद ऐसा लगता है कि कोई एडवेंचर आइंदा नहीं होगी और हम एक सिविलाइज्ड ममालिक की तरह हम अपने निज़ाम को चलाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक बैटल है, उनको अभी मौका है 3 दिन और, आप जैसा आपने कहा कि 3 दिन हैं उसमें वो अपील कर सकते हैं, क्योंकि शायद उनके वकील ये महसूस करते हैं कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। तो ये तो एक कानूनी बैटल है और हमें बहरहाल हमें भी अपनी जो हमारी जो जुडिशरी है उस पर फेथ रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी ने हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर हम गवर्नमेंट की जानिब आएंगे, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव लेंगे। यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हमने आज ये भी देखा कि जब ये परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला आता है उसके बाद फौरन हम देखते हैं कि जीएचक्यू में एक अहम कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की जाती है, और उसके बाद DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर जो है वो बड़ा अहम ट्वीट करते हैं और उसमें वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, उन्होंने 40 साल मुल्क की खिदमत की है, बल्कि 40 साल से ज्यादा मुल्क की खिदमत की है, उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि इस फैसले से पाक अफवाज में शदीद गमो गुस्सा और अस्तराब पाया जाता है। तो अब ये बताइएगा, वो ये भी कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी तकाजे जो है वो इस केस में पूरे नहीं किए गए हैं, तो अब ये मामला आज के इस फैसले को पाक अफवाज किस तरह से कंसिडर कर रही है? नीलम,
बड़ा क्लियर है आज जिस तरीके से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ डिस्कशंस हुई है और प्रेस रिलीज आई है, बड़ा क्लियर है ये पाकिस्तान के ट्रुप्स की फीलिंग है। इस द बॉडी ऑफ ट्रुप्स, जब आप कमांड करते हैं तो आपको अपने ट्रुप्स का, यंग ऑफिसर्स का, हु आर द फाइटिंग फोर्स, उनका ख्याल करना पड़ता है। आईनी तकाजे बिल्कुल पूरे नहीं हुए हैं। आप ये बताइए कि जब चीफ जनरल मुशर्रफ अभी आपने स्लॉट दिखाया उसमें वो ये भी कह रहे थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने राइटिंग भेजा कि हुकूमत का कारोबार जो है वो मफलूज हो चुका है बिकॉज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार की वजह से। और मैंने कोर कमांडर ने सब ने मिल के, चीफ जस्टिस मिनिस्टर ने, गवर्नर ने मिल के मुतफिका फैसला किया कि ना एमरजेंसी नाफिज की जाए, अगर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो लगा सकते हैं। इन चीजों को देखते हुए अगर एक इंडिविजुअल को आप ट्रायल करते हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं, क्योंकि जजेस को उठाया था, जजेस ने ये सारा कुछ किया, 99 का ज्यादा सीरियस था, वहां कुछ ने वैलिडेट भी कर दिया, अमेंडमेंट कौनसी को करने की इजाजत भी दे दी, जिसकी वजह से ये पता चला कि ये वाकई विक्टिमाइजेशन है। फिर जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस दिन एक मुक्का बना के उनकी सरकास्टिकली कहा कि उनका भी फैसला होने वाला है, और फिर जब एक इंटेंट नजर आ जाए कि जी क्या होने वाला है, तो क्या वो जस्टिस रहती है, क्या वो इंसाफ रहता है, इंसाफ नजर आना चाहिए। और फिर उसके बाद ना चीफ जस्टिस साहब तो इस बेंच में भी मौजूद नहीं थे, फिर वो क्यों ऐसे करके कह रहे हैं कि जी अभी फैसला आने वाला है। मुझे तो चाहे हो सकता है कि उनको फैसले का पता हो। और उसके बाद फिर 28 तारीख को जब जनरल बाजवा का केस चल रहा है, आप उसी डेट एक फिक्स की हुई है, व्हाट इज अर्जेंसी, व्हाई यू वांट टू हैव अ कैप टू फेदर योर कैप, जाने से पहले आप ये चाह रहे हैं ऐसे करना है, इसको भी आप देखिए। और फिर उसके बाद हुकूमत कह रही है कि हमें और अपैटर्स के नाम डालने हैं, हमें डिफेंस को मौका नहीं दिया जा रहा। जनरल मुशर्रफ की वीडियो आ रही है, ही इज सीरियसली इल, ही इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, और वो 2-5 से ज्यादा बोल भी नहीं सकते। आप कह रहे हैं आके स्टेटमेंट दे दो, व्हाट इज सो हरी, आप थोड़ा वेट कर लें, लेट हिम कम। और उन्होंने यहां तक कहा कि जी आप स्पेशल कोर्ट बेसल करावा, दुबई आ जाए, मेरी स्टेटमेंट ले लें, वहां के कर लें। ऐसे इमरजेंसी क्यों लगाई गई है? और फिर उसके बाद बात यह है कि इसमें जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है वो जजिस का है। जब जजिस उससे इन्वॉल्व है और वो आ जाए तो आपको ये कहना चाहिए। फिर उसके बाद जो डिसीजन आया वो भी 2-1 है। ये बड़ा एक आपने क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है ये आपने 2 दफा रिपीट किया है अपने रिस्पांस में। मैं यहाँ पर डॉक्टर जरका साहब आपके जाने आऊंगी। अब ये यहाँ पर आपने अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की भी बात सुनी, और फिर साथ साथ एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन किया जा रहा है इस फैसले के बाद कि जो परवेज मुशर्रफ है उनको सजा नवंबर 3, 2007 की इमरजेंसी के नफाज पर दी गई है, जिसमें जो जजेस थे उनको भी नजरबंद किया गया। लेकिन जब 1999 अक्टूबर की बात होती है जिसमें के परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज़ किया था, तो उस वक्त तो जजेस ने भी उनके इस कदम को जो है तहफ्फुज़ दिया था। तो फिर सजा जो पहले बड़ा कदम उठाया गया था परवेज मुशर्रफ साहब की जानिब से 1999 में, उस पर क्यों नहीं दी गई? और सेकंड टाइम उन पर गद्दारी का केस किस तरह से लगा दिया? वो तो खुद प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट खुद अपने खिलाफ ही गद्दारी तो नहीं करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नीलम। पाकिस्तान की मेरा ख्याल है ये एक इर्तका है हमारी स्टेट का, जिसमें के जो एग्जीक्यूटिव, आर्मी और जुडिशरी के जो रोल्स हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 72 साल में हमारे बहुत से लीडर्स भूल गए कि इन 3 पिलर्स ऑफ स्टेट की क्या, व्हाट इज़ देयर राइटफुल पोजीशन, और ये बैलेंस जो था इसको हम कई दफ़ा मेंटेन नहीं कर पाए। तो अब मेरा ख्याल है स्टेट जो है थ्रू इट्स वेरियस आर्म्स वो अपने बैलेंस को रीअलाइन करना चाह रही है। तो जुडिशरी का हमेशा से जो रोल रहा है, जिसमें वो जहाँ पे वो बैलेंस नहीं देखते वो उसको रीअलाइन करना चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब वो 100 PCO के जजेस बने थे, जब अपने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए थे हुकूमत में, जब उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया था, और आपको याद है कि वो किस तरह जहाज़ में थे और उस जहाज़ को कहा गया था कि इसको कहीं लैंड करा दो, हिंदुस्तान में लैंड करा दो, तो तब उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हिंदुस्तान में ला लैंड कराओ, अपने मुल्क में ही कराओ। तो ये भी आप याद रखें कि किन लोगों ने कहा था कि कहीं भी लैंड करा दें, इंडिया में करा दें, नवाज शरीफ साहब ही थे उसमें। सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पिलर्स ऑफ द स्टेट अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं। लेकिन जुडिशरी जो हमारी है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा
जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। देखिए आज का अगर उनका डिसीजन हम उसको एक्सेप्ट करें कि जी ये रीअलाइनिंग के लिए अच्छा है, जस्टिस खोसा साहब दो दिन में रिटायर हो रहे हैं, 19 परसों उनकी आखिरी तारीख है, उसके बाद जस्टिस गुलजार विल टेक ओवर, ही वांटेड सम हाउ कि ये डिसीजन उनके टेन्योर में हो। उसके क्या मुहर्रिकात हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल एक आम पाकिस्तानी के, मुझे आज जब से ये आया है जजमेंट, मुझसे लोग हर जगह पे सवाल कर रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी ये हमारी जुडिशरी जो है ये किस किस्म का इंसाफ देती है। यानी ठीक है, चले माना कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अगर आप मान जाएं कि उनके साथ ठीक हुआ और वो, लेकिन देखिए आपने अभी ये जो हमारी जुडिशरी है इस एक साल में इन्होंने प्रोक्लेम्ड चोरों को, प्रोक्लेम्ड डाकुओं को इन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह साहब, जरदारी साहब, आप बात करें डॉक्टर आसिम की, यानी आगा सिराज दुरानी, आप किसी पॉलिटिकल ऐसे आदमी की बात करें जिसने पाकिस्तान का पैसा गबन किया, उसको किस तरह से हमारी अदालतों ने सैटरडे फ्राइडे को आपको 10 बजे के बाद अदालत नहीं मिलती। तो ये सवाल है जो लोग पूछते हैं और लोग कहते हैं कि अगर ये इंसाफ है ठीक है, चले मान लिया ये इंसाफ है, तो बाकी इंसाफ में क्या एक एक आंख बंद रहती है? इसके ऊपर ये सवाल आप जुडिशरी को अपने आप को भी पूछने पड़ेंगे, एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू देयर आंसर्स। ये जो कोर्ट का रवैया है या ये जो जुडिशरी का रवैया है इस पर बात हो रही है। और आज जो जब परवेज मुशर्रफ साहब के वकला करते हैं प्रेसर, तो वो कहते हैं कि इस्तगासा में शौकत अजीज और अब्दुल हमीद डोगर को शरीक मुलजिम क्यों नहीं ठहराने दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो शरीक मुलजिमान हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो अदालती कार्रवाई है ये शख्सी बुनियाद पर की गई है। तो आखिर वो तमाम लोग जो कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ थे इस एमरजेंसी के नफाज में और जिन्होंने मुशर्रफ के हर कदम पर जो हिमायत की थी, वो इस तमाम मामले में क्यों बरेज़मा नजर आ रहे हैं? और फिर यही रिस्पांस हमें जो पाक अफवाज की जानिब से आता है वो भी यही कह रहे हैं कि अदालती कार्रवाई तशखुसी बुनियाद पर की गई है। तो ये इस किस्म का सेंटिमेंट क्यों डेवलप हो रहा है इस फैसले को देखकर? देखिए, एक तो बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ की जो 40 साल खिदमत उनकी फौज में है उससे इनकार नहीं है। उन्होंने यूनिफॉर्म में फौज के पूरे चीफ आर्मी स्टाफ एक बड़ी सर्विस की है, लेकिन बात उनकी सर्विस के बारे में हो नहीं रही, बात उनके उस एक्शन से हो रही है जिसका ताल्लुक सिविल लाइफ से है, जिसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से है, इसलिए उसको ठीक मेरिट में देखा जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि जनरल साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और उसको देख के एक हमदर्दी का पहलू जाहिर है उजागर होता है, और शायद इसलिए हमदर्दी भी है। लेकिन मैं कहने का मेरा मकसद यह है कि हमने कब फैसला करना है, मिनहसुल कौम हमने कब फैसला करना है कि क्या आइन की इस मुल्क में कोई अहमियत है या नहीं है, और अगर है तो उसके दायरे में जो भी आता है। आपकी बात दुरुस्त है कि तमाम उन लोगों ने जिन्होंने उस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो भी थे जनरल साहब, उनके साथ किसी भी हवाले से सपोर्ट किया है, तो वो भी इस जुर्म में शामिल हैं पूरे के पूरे, और उनको भी मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट अ लॉयर लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी इसका कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है सेनेटर साहब, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि एक अमल जो कि गलत है वो दो दफा किया जाता है, लेकिन पहली दफा करने पर उस पर किसी किस्म की कोई सजा नहीं होती, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और दूसरी दफा करने पर उसको उसकी पकड़ाई हो जाती है और उसको जो है आप डेथ सेंटेंस दे देते हैं। तो यहां पर फिर इस फैसले में इसको अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें जो कि बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है, एक एवरेज थॉट प्रोसेस की बात है, तो ये तो यहीं पर ही इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप दुरुस्त कह रही हैं, जब जो भी आदमी इसको फेयरली देखेगा तो उसको शक का मौका तो मिलेगा कि इसको पूरे तरीके से अगर किया जाता तो शायद पहले वो जो जुर्म हुआ उस वक्त चूंकि ऐसे लोग शामिल थे उस जुर्म में जिनको शायद छोड़ना मुनासिब समझा इन लोगों ने, जुडिशरी ने, या जजमेंट में उन्होंने उसको स्पेयर करना मुनासिब समझा, बहरहाल शक तो पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी को भी चाहिए कि इस कौम में जो इस वक्त इस्तराब है और जो एक शक का एलिमेंट है उसको कंसिडर मेरा ख्याल उन्होंने किया होगा, ये करना चाहिए ताकि पूरी कौम जो है जुडिशरी की इज्जत
یا جوڈیشری کے فیصلوں کی عزت تبھی کرے گی اگر وہ بڑے فیئر ہوں گے اور فیئر نظر آئیں گے کہ انہیں پوری ہر چیز ہر آسپیکٹ کو بالکل قانون کی نظر سے دیکھا گیا. لیکن یہاں پر آلرائٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, یہاں پر ہم جو رد عمل دیکھتے ہیں پاک افواج کا, میں اگر آپ کو کوٹ کر دوں, اس میں جو دو پوائنٹرز اٹھائے گئے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ خصوصی عدالت کے فیصلے پر پاک افواج میں شدید غم و غصہ ہے, اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپیشل کورٹس کی تشکیل کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور کیس کو اجلت میں نمٹایا گیا ہے. اب یہ کیس کو اجلت میں نمٹانے کی شکایت ہمیں ان کے لائرز بھی کر رہے ہیں, پرویز مشرف صاحب کے, اور یہ پاک افواج بھی کر رہی ہے. تو آخر کیوں اتنی اجلت تھی, ایسی کس چیز کی جلدی تھی کہ پرویز مشرف کو جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ڈیفنس کا وہ بھی پوری طرح سے ایکسرسائز نہیں کرنے دیا گیا؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ایسی کیا ایمرجنسی لگ گئی. دی مین از فائٹنگ فار بیٹلنگ فار ہز لائف اینڈ ڈیتھ, ہی از سیریسلی سک. اس کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو ڈسنگلیٹ کریں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر کیا ہے, دے آر ناٹ ایگرینگ, اور پھر سپریم کورٹ کہہ رہے کہ ڈیلی بیسس پہ اس کو کرو, اس کو ختم کرو, واٹ از دا انٹینٹ. اور جب آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ چیف جسٹس مکہ اٹھا کے جی وہ ان کا کیس بھی فیصلہ ہونے والا ہے, جب آپ کے کسی چیز کی انصاف کی انٹینٹ پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ کیا کوکنگ ہو رہی ہے, کیا چلنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, وہ انصاف نہیں رہتا. انصاف دکھنا چاہیے, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے, جس کے اوپر فوج کے بڑے تحفظات دے رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے. اس وقت آپ کو نیلم یہ یاد رکھیے کہ یہ سی ایچ این جو ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر میں, بیٹھے ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول پہ, بیٹھے ہیں ویسٹرن بارڈر پہ فینسنگ کر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ینگ آفیسر شہید ہو رہے ہیں, وہ ان کو یہ نہیں پتا کیا بات ہے. دے نو کہ ان کے دونوں آرمی چیف اس وقت پوری دنیا میں ایک مذاق بنے ہوئے ہیں. ایک ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے, ان کے فیصلے آ رہے ہیں 28 کو, 28 کو چیف چیف عامر صاحب کا جو پریزیڈنٹ رہے ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف بھی رہے ہیں, چیف عامر صاحب بھی رہے ہیں, 40 سال فوج کی خدمت بھی کی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جس کیس میں انوالو کیا گیا ہے, پرائم منسٹر پاکستان کا ریٹن لیٹر ہے پریزیڈنٹ کو گیا ہوا ہے, تو اٹ شوڈ بی آن ریکارڈ. ان کو انوالو نہیں کیا جا رہا, لا منسٹر اس کو نہیں کیا جا رہا, کور کمانڈر ہیں, چیف منسٹر ہیں, ایوری باڈی از پروونگ دس پلیس. کیا اکیلا آدمی کانفرنس نہیں کر سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک لاسٹ گورنمنٹ کی بد نیتی تھی, وہ اپنا پرانا سیکیور سکور برابر کرنا چاہتے تھے, اور اس کو معافی بھی کی گئی. ابھی وہ کنوکٹ ہے کورٹ کا, اور اس کو ہفتے کے دن ایمرجنسی میں لگا کے کیس, اور ان کو وہاں سے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا, اور وہ بڑے مزے سے دندناتے وہاں پھر رہے ہیں, جس نے ملک کو لوٹا ہے, ملک کو عوام کا خون پسینے کی کمائی کو لوٹا ہے, وہ وہاں بجا رہے. تو جسٹس دیکھیں, یہ انصاف ایسے نظر آنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے چیف جنرل باجوہ کا کیس ہے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو فیلنگ آئی, یہ لیٹر ہے, دس کنویز لاٹ آف میسجز. اٹ از ناٹ اونلی ون جنرل مشرف کی بات, یہ وی مسٹ ریڈ ان بٹوین دا لائن کہ وائی دس پریس ریلیز ہیز بین ایشوڈ اینڈ واٹ آر دا میننگ. اس لیے اداروں کو اس وقت جوڑنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے دشمن کا نیریٹو یہ ہے کہ فوج اور عوام کے جو اعتماد ہے اس کو ختم کر دو, فوج کو کمزور کر دو. اور ملٹری از اے سمبل آف فیڈریشن. پاکستان کی فوج آج کمزور ہوگی, پاکستان کی فیڈریشن کمزور ہوگی. جو اینیمی کا نیریٹو ہے کہ پاکستان کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دو, خدا نہ خواستہ وہ یہ مسائل ہے. وی آر انڈر اٹیک آف اے جنریشن وار, جس میں یہی کیا جاتا ہے انڈورٹلی. آئی ڈونٹ سے کہ یہ انٹینشنل کیا جا رہا ہے, بٹ آپ کو سوچنا چاہیے کہ فوج کی کیا خدمات ہیں. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے, اور واپس بریک سے آ کر اس کو مزید ایکسپلور کریں گے کہ کیا ادارے کسی قسم کے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیا حالات جو ہیں, جو کہ اب ایک کے بعد ایک جو فیصلہ ہمارے سامنے ہے, اس کے بعد حالات کس طرف جائیں گے. ناظرین سٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے سزائے موت کا, اس حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اور ہمارے سامنے جو اس وقت پاک افواج کا رد عمل ہے, اس میں بڑا کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ اس فیصلے سے پاک افواج میں شدید غم و غصہ اور اضطراب پایا جاتا ہے. اور جو پرویز مشرف کے وکلا ہیں, انہوں نے جب پریسر کی تو ان کے مطابق یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی سے بھی برا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, ٹرائل غیر آئینی, اور فیصلہ
फैसला उजलत में सुनाया गया है और इस केस में शौकत अजीज और दीगर वुजरा को शामिल क्यों नहीं किया गया, इस फैसले के खिलाफ अपील भी की जाएगी। जबकि पाक अफवाज की जानिब से कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन के मुताबिक इंसाफ मिलेगा। अब नाज़रीन, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, इसमें तनाव को कम कैसे किया जा सकता है और ये इदारे अगर एक दूसरे के आमने सामने आते नजर आ रहे हैं तो हुकूमत के लिए भी इसमें एक अहम किरदार अदा करना जो है वो बड़ा जरूरी है। तो क्या हुकूमत वो अपना रोल अदा करती हुई नजर आएगी? और फिर अदालत की जानिब से परवेज मुशर्रफ को कई बार अपनी सफाई में बयान देने का मौका दिया गया लेकिन बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका और फिर उनके बयान के बगैर, उनकी प्रेजेंस के बगैर ही आज फैसला उजलत में सुना दिया जाता है। क्या इस फैसले के बाद किसी किस्म का मजीद जो है एनार्की का खतरा जो है वो देखा जा सकता है? और फिर इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए परवेज मुशर्रफ के पास अब 30 दिन का वक्त है और इन्हें अपील दायर करने के लिए अस खुद पाकिस्तान आना होगा। सवाल अब यह है कि क्या परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आकर अपील दायर करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर इस फैसले का मुस्तकबिल क्या होगा? साथ साथ परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर है तो क्या हुकूमत अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद करवा पाएगी? क्या हुकूमत परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क से वतन वापस लाएगी? हुकूमत खुद इस फैसले को रोकना चाहती थी, हमने देखा था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से जो है 72 घंटे जब रह गए थे तो इसको रोक देने का कहा गया, ना सुनाने का कहा गया था और जो वुजरा हैं वो भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि वक्त के तकाजे होते हैं, मुल्क को जोड़ने की जरूरत है, ऐसे फैसले जिससे फासले बढ़े, तकसीम बढ़े, कौम और इदारे तकसीम हो, उस किस्म के फैसले नहीं होने चाहिए या गौर व फिक्र की जरूरत है। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है जनाब आरिफ चौधरी साहब ने, सीनियर लॉयर है, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम अस्सलाम, यू आर वेलकम। आरिफ चौधरी साहब क्या फरमाइएगा, खुसूसी अदालत का आज का अहम फैसला हमारे सामने है जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से, इसमें क्या लकूनाज है, क्यों हमें कहा जा रहा है उनके लॉयर्स की जानिब से, हमें पाक अफवाज की जानिब से भी कहा गया है कि ये गैर आईनी है, ये फैसला उजलत में किया गया है, इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई है, एब्सेंशिया में फैसला दे दिया गया है, तो हमें लीगल बताइएगा कि लीगल लकूनाज इस फैसले में कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया। सबसे पहला लकुना तो यह है कि ये चूंकि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्होंने नजरबंद किया था और उसने डिसफंक्शन किया था चीफ जस्टिस को, तो इस फैसले को करते वक्त, ये ट्रायल शुरू करने से पहले, प्रोसिक्यूशन शुरू करने से पहले, वो जो रिक्वायरमेंट है वो, यानी जो इसमें जरूरी था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूट होती कोर्ट और ये सारा जो अमल था उस कानून के मुताबिक होता, उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को तमाम इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हुए ये ट्रायल खुद नहीं करवाना चाहिए था। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि खुद सुप्रीम, लॉ भी यही है, प्रिंसिपल भी यही है, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2009 की जजमेंट में भी ये लिखा है सबसे पहले कि भी नो बॉडी कैन बी ए जज इन हिज ओन कॉज, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जहाँ ये जब ट्रायल हो रहा था तो हाई कोर्ट के जजेस जो थे वो अगर हाई कोर्ट के जजेस थे लेकिन जब वो ट्रायल कर रहे थे तो वो दैट वाज अ ट्रायल कोर्ट, उन्हें बिल्कुल वो सारी चीजें माननी चाहिए थी, हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो थी उनके ऊपर भी बाइंडिंग थी क्योंकि बेसिकली वो ट्रायल कोर्ट थी, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में हाई कोर्ट की डायरेक्शन को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन को नजरअंदाज किया है, यानी सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो तो हाई कोर्ट के खुद जजेस हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये भी कानून के खिलाफ बात है। और इसके अलावा किसी शख्स को एब्सेंशिया में ट्रायल करना और स्पेशली सजाए मौत देना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन कभी भी दुनिया में किसी ने ना कबूल की है ना इसमें कबूल की जाएगी। उसकी वजह यह है कि ट्रायल से ट्रायल जो है टेन में वो हर एक शख्स का बुनियादी हक है और उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट इशूज थे। जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो जाती है उसके बाद एक तो प्रोसिक्यूशन के तमाम गवाहों के ऊपर जिरा का हक होता है, दूसरा यह है कि जब वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस खत्म हो जाती है तो 342 की स्टेटमेंट होती है एक्यूज की और उस 342 की स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटोरी है क्योंकि उसी में आप उनसे सवाल पूछते हैं गवाही के मुताबिक कि ये सारी चीजें सामने आई है आपको इसमें क्या कहना है और उसी में फिर वो अपना डिफेंस डिस्क्लोज करता है कि मुल्जम के जनाब मुझे सफाई में ये कहना है।
और फिर उसी से पूछा जाता है कि क्या आपको 340 की स्टेटमेंट आप देना चाहेंगे, यानी अपने खिलाफ खुद गवाह या अपने तौर पे गवाह बनना चाहेंगे। उस मामले में भी वो 340 की स्टेटमेंट जो बगैर हलफ के होता है, हलफ के साथ होती है, वो भी उससे पूछी जाती है, उसकी चॉइस दी जाती है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करेंगे, तो ये वो सफाई में गवाह पेश करना चाहे तो यकीनन वो करते हैं, हर कोई करता है। तो ऐसी सूरत हाल में इस सारे प्रोसेस को नजरअंदाज करके आप अगर किसी शख्स को एब्सेंशिया में सजा, और फिर उसका मुसलसल ये मौकफ आ रहा है कि वो इतना बीमार है कि वो ये चल नहीं सकता, यानी जो वीडियो सामने आ रही है नजर, उसमें भी परवेज मुशर्रफ जो है वो ही इज नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग, ही इज दैट रीजन। यानी अपील में जाने का जो, यहाँ पे आरिफ चौधरी साहब, यहाँ पे अपील में जाने का जो फैसला किया गया है APML की जानिब से कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील करेंगे, और आप बता रहे हैं कि काफी जो एक लीगल प्रोसीजर है वो बाईपास किया गया है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट दोनों जानिब से आ रही है, हमने पाक अफवाज का जो रद्द अमल है उसमें भी कहा जा रहा है कि जो आईनी है, आईनी तरीका, वो भी इग्नोर किया गया है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया गया, तो इस बेसिस पर अपील में इस फैसले के खिलाफ जाना कितना सक्सेसफुल जो है वो साबित हो सकता है? इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो आएगा वो ये है कि चूंकि अपील फाइल करने के लिए मुल्जम का, कॉन्विक्ट का खुद होना जरूरी है, ये उनकी अदम मौजूदगी में अपील फाइल नहीं की जा सकती, प्रॉक्सी अपील नहीं हो सकती, और ना ही वहां से पावर ऑफ अटर्नी के जरिए हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सतह पे अगर इसको चैलेंज किया जाए और उसमें सजा की सस्पेंशन मांगी जाए, क्योंकि इसमें ट्रायल को, यानी ये पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस नौयत का, इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ था, उसमें भी उन्होंने वो ट्रायल जो था वो फौजदारी मुकदमा ही था, लेकिन उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने बतौर ट्रायल कोर्ट के कंडक्ट किया था, और फिर ये भी वो केस है कि जिसमें ट्रायल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट बनी है। तो लेकिन ये कि अगर तो स्ट्रिक्टो सेंसो अपील का तरीकेकार इख्तियार किया जाए तो उसमें तो वो नहीं खुद आ सकते, लेकिन यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज करके लीव टू अपील मांगी जाए सुप्रीम कोर्ट से, जिसके चांसेस बाहर सूरत देखना होंगे पूरे, यानी इस केस को सामने रखते हुए और तमाम बाकी हकायक को, उसमें शायद कोई गुंजाइश निकले, लेकिन इसने काफी ज्यादा एक फसाद बर्पा कर दिया है, और खास तौर पे परसेप्शन जो बिल्ड हुआ है चीफ जस्टिस साहब की तकरीर की वजह से, जब उन्होंने मुक्के लहरा के ये कहा कि भाई आप, यदि पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया है और अब एक फैसला आने वाला है जर्नैल का, तो वो परसेप्शन मैं समझता हूँ कि फैसले से अगर कोई फायदा हो सकता था कौम को कि जी आइंदा किसी को जरूरत ना होती, और लोग कहते कि देखे जी बड़े से बड़े कोई भी जो है वो कानून से मावरा नहीं है, वो मुझे नजर नहीं आता कि इसका वो एक्सप्रेशन जो है वो भी क्वेश्चनेबल हो सकता है। एक आखिरी आपसे लीगल क्वेश्चन हम करेंगे फिर मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर आरिफ चौधरी साहब, ये जो आज रद्द अमल आया है DGISPR की जानिब से, उसमें एक और लीगल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया, वो कह रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो जो स्पेशल कोर्ट कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर तश्कील दे दिया गया है, फिर उसका फैसला, फिर उसकी कितनी वायबिलिटी है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर क्या समझा जाए? जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, इसकी कोर्ट की तश्कील जो है जिसको चैलेंज करना, लेकिन ये कि आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि किस स्टेज पे ये कर रही है, किया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले फैसला वो कर चुकी है यानी कोर्ट, और उसको, और ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोर्ट जो है तश्कील भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाके, जिसने खुद तश्कील की है ये कोर्ट, वो अपने फैसले के खिलाफ किस तरह ये फैसला करेगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी? ये बहुत सारे मसाइल इस फैसले की वजह से, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा सामने आ रही है, अगर ये इतनी जल्दी ना की जाती। चौधरी साहब, आपके लीगल ओपिनियन का जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर हम आगे की जानिब बढ़ेंगे, हमारे शो का वक्त कम रह गया, हम जो ऑपोजिशन का रिस्पांस है इस फैसले के बाद वो आपको सुनवाना चाहेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल क्या इस फैसले पर रद्द अमल करते हैं, बिलावल भुट्टो को क्या रद्द अमल है, लेट्स लिसन टू बोथ ऑफ देम फर्स्ट और फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ वापस आएंगे। इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में आईन तोड़ने की रद्द खत्म होगी। ये वो फैसला है कि जो आज से अगर 50 साल पहले दे दिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल ला की लानत और मार्शल ला की लहूसत मुसल्लत ना होती और कभी मशरकी पाकिस्तान हमसे
कि जमहूरियत हमारा बेहतरीन इंतकाम है, शायद हमारे पाकिस्तान में सब के लिए ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो समझ में नहीं आया, लेकिन आज का फैसला आने के बाद उस स्टेटमेंट के जो हमारा मकसद था कि हमारा किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं, हमारा किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, लेकिन हम जमहूरियत के हक में हैं और हम समझते हैं कि हमारा जो जद्दोजहद है वो भी जमहूरियत के लिए है, और अगर हम जमहूरियत ले आने में कामयाब होते हैं तो हम अपने अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। और जहाँ तक ये तारीखी फैसला है, इट इज़ स्टिल जस्ट अ स्मॉल स्टेप, अ बेबी स्टेप ऑन द रोड। जी डॉक्टर ज़रका साहिबा, आपकी जानिब आएंगे। अब ये हमें ऑपोजिशन एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में इस फैसले के आने के बाद आइन तोड़ने की जो रिवायत है वो अब खत्म हो गई है और ये वो फैसला है जो कि पहले आ जाना चाहिए था। तो ये ऑपोजिशन जमातों की जानिब से इस फैसले को तो बड़ा सराहा जा रहा है, अप्रूव किया जा रहा है। जी देखिए, बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में रविश इस तरह है कि अगर अपनी मर्ज़ी के फैसले आ जाएं तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो फिर दुनिया उल्टी हो जाती है। और नून लीग का हमने हमेशा यही वतीरा देखा है कि जब जुडिशरी उनके फेवर में कोई या उनकी पसंद का कोई देती है जजमेंट तो वो बहुत खुश होते हैं, और मिठाइयाँ, लेकिन मिठाइयाँ जब भी बांट देते हैं क्योंकि जब उनके ख़िलाफ़ आता है, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि जुडिशरी हमेशा ही उनके साथ है। उसकी भी कोई वजूहत होगी जिनको शायद हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल बात यह है जी कि पाकिस्तान एज अ स्टेट पाकिस्तान ने आगे चलना है, और पाकिस्तान के इदारों का तसादुम किसी तरह से भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अगर हर हमारा इदारा अपनी हदूद में रह के चले, लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, खा वो हमारी जमहूरियत है, खा वो हमारी आर्मी है, खा वो हमारी जुडिशरी है, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। और जो हमारी जुडिशरी है उसके बारे में देखिए ना, अभी जो लेटेस्ट जज लॉयर्स का जो केस हुआ है लाहौर में, जो एक अंदोहनाक वाकया था, उसके ऊपर लाहौर बार एसोसिएशन ने कहा कि हम तो ये केस ही नहीं सुनेंगे। तो ये जो इस किस्म का जो अदम आपका तवाजुन है, इसके ऊपर थोड़ी सी परेशानी होती है। अभी आपको पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 40,000 केस हैं जो सुनने के लिए बाकी हैं। पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स में 3,00,000 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, और पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स में इस वक्त 18,00,000 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। सो जुडिशरी अगर अच्छा काम कर रही है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले दे मस्ट अपने घर को ठीक करें और इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि जब तक अपनी अकाउंटेबिलिटी से हम सब स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक हम ये मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। अफसोसनाक कलमनाक सानिया कहा जा रहा है वाकया यहाँ पर। क्विकली सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, अब ये ऑपोजिशन, आप लोग इस फैसले को खुशाइन कह रहे हैं, लेकिन ये एक जनरल क्वेश्चन है कि जब भी फैसले ऑपोजिशन के खिलाफ आते हैं तो आप अदालतों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब आज ही की अगर हम बात करें तो खुर्शीद शाह और फरियाल तालपुर साहिबा जो है उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, तो अगर फैसले हक में ना आए तो तनकीद, और अगर फैसले हक में आ जाए तो उसको जो है खुशाइन क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए सबके कि ये फैसला हमारे हक में नहीं है। ये अगर ये सोचा जा रहा है कि ये फैसला हमारे हक में है तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत सोच है। ये फैसला मुल्क और कौम के हक में, आईनी फतह है अगर ये है तो। और इसके साथ साथ हम ये ज़रूर समझते हैं कि जो एक्यूज हैं, जो जनरल मुशर्रफ हैं, उनको भी तमाम हकूक हासिल होने चाहिए। अगर उनको महसूस होता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो अभी भी उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन उनको अपील, उनको अपनी जो उनको अदालतों का पूरा एक निज़ाम है उसके अंदर बेहतरीन सर्विसेज उनको भी हासिल होनी चाहिए तब तक कि उनको पूरी तरह सेटिस्फेक्शन हो। तो इसलिए इसको इस तरीके से कतन ना लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है इस बात पे खुश है कि जनरल साहब जो है उनको इस सजाए मौत हुई है, ऐसी बात नहीं है। हम इस बात पे जरूर खुश हैं। ये रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अपना कंक्लूसिव जवाब आप दे दीजिएगा आज के इस फैसले के बाद, और आगे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं?
ऑलराइट, हमारा रابطہ डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका साहब आपका, सेनेटर शाहीन कट साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजिर अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जैसा कि कहा जा रहा है परवेज मुशर्रफ के लॉयर्स की जानिब से, कि ये फैसला जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी से भी बुरा फैसला है। अब ये इस फैसले के आने के बाद आगे की क्या डायमेंशन तय होती है, क्या ये फैसला जो है अपील में जाएगा, क्या ये फैसला चैलेंज होगा और उसके बाद के क्या मुहरकात होंगे, हमारी नजर जरूर रहेगी इस पर। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।